If you truly love nature, you will find beauty everywhere. अगर आप प्रकृति से सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको हर जगह सुंदरता मिलेगी. Hello friends, welcome back to my channel. फिर से आई हूँ और एक दिन की कुछ वक्त आपके साथ शेयर करने के लिए. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी. जौनपुर जिले की इस गांव में हमारा सेकंड दिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. देखते रहे. Village is a place where you can find peace, unity, strength, inspiration and most importantly, a natural and beautiful life. शहर के घर में तो केवल है दीवारें और छत. देखना आंगन हो अगर तो गांव जाना चाहिए. सचमुच यहां पर बड़ा सा आंगन खेल के मैदान जैसा. सुबह की सैर तो इस आंगन में हो ही जाती होगी. मन को मुक्त कर देने वाली सुबह की सुंदरता ने तो मन मोह लिया. अब घर के भीतर आ गए हूँ. यहाँ के घर के मिडिल में छत नहीं होते हैं. चारों ओर घर होते हैं और मिडिल ऐसे ओपन होते हैं. मिडिल में है ट्यूबवेल. इस ट्यूबवेल का जल सभी काम में इस्तेमाल करते हैं. मेरी चाची की बेटी कोमल अब पकौड़ा बनाएगी और चाय. तब तक मैं छत से होकर आती हूँ. When I will see a cup from there, then I will feel that I am looking like a scene because I will not see anything else so far beside farm. For some time I will feel that I am in the heaven. I will feel full peace of mind there. Their atmosphere will very clean, not polluted. यहाँ की वातावरण ठंडी और प्रदूषण मुक्त होने की वजह से हवा में ताजगी महसूस हो रही है. क्योंकि यहाँ चारों ओर खेत खलियान और पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर दिखे भुट्टे के दाने निकल के रखे हैं, जिसे हम और आप मकाई कहते हैं, यानी कॉर्न. यहाँ पर मकाई के रोटी बनाते हैं या कह सकते हैं चपाटे. वैसे भी मकई के चीला, पोहा, पराठा, मकई पालक खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं. चलिए अब दिखाते हैं टेरेस से कैसे दिखते हैं आंगन. यहाँ पर सभी घरों में पशुओं का पालन करते हैं. पशुओं का गोबर खाद का काम करता है और उपले बनाते हैं. यहाँ पर अभी भी उपले जलाकर खाना पकाते हैं. ये है उपले. उपले को यहाँ पर सुखाकर टेरेस में रखा है. अब जाते हैं नीचे चाय पीते हैं.
सुबह हम सभी ने गर्मा गर्म चाय पिए और गर्मा गर्म पकौड़ा खाए। फिर हम सभी ने आंगन में कुछ वक्त बिताए। पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं सभी। आंगन में है राहुल, मेरी माँ, मेरा छोटा चाचा और बुआ। अभी हम सब जाएंगे कुलदेवता के मंदिर। सभी के कोई ना कोई कुल देवी अर्थात कुल देवता होते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कुल यानी गोत्र, गोत्र ही कुल देवी या कुल देवता होते हैं, या कह सकते हैं इष्ट देव। इष्ट देवी कुल देवी और कुल देवता कहलाते हैं। और ये है बहुत ही पुराना कुलदेवता के मंदिर। I will feel cool and fresh, and I want to thank God who constructs this beautiful universe. फिर मुझे यहाँ पर दिखे बाबुई पक्षी की बाशा, यानी बया पक्षी की घोंसले। मैं पहली बार देख रही हूँ लाइव बया पक्षी, जो पहचाना जाता है अपने घोंसले की वजह से। खेत खलियान, पेड़ पौधे और बया पक्षी की घोंसले मन को मुक्त कर देने वाली। इन ऑल थिंग्स ऑफ नेचर देयर इज समथिंग ऑफ द मार्वेलस। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ ना कुछ अद्भुत है। फिर जब मैं वापस आ रही थी, यहाँ पर दिखे सुगर केन प्लांट, यानी गन्ने की खेती की गई है यहाँ पर। देन वी आर बैक।
वापस आकर सभी ने ब्रेकफास्ट की। फिर यहाँ पर मुझे दिखे चाप कटर यानी कुट्टी मशीन, मेरी छोटी बहन ट्राई इट। कुट्टी मशीन अब चला रहे हैं छोटी चाचा का बेटा राहुल और बेटी खुशबू, पीछे है छोटी चाची। ये मशीन धान का पुआल बहुत ही अच्छा कुटती है। हरा चारा तेजी से काटा जा रहा है पशु आहार के लिए। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पशु आहार के लिए 5 तत्व मेन होते हैं और वो है हरा चारा, सूखा चारा, दाना, मिनरल मिक्सचर और पानी। इन्हीं में से हरा चारा को सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना जाता है और यही हरा चारा को छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए कुट्टी मशीन का यूज़ करते हैं। और ये जो मशीन देख रहे हैं ये मैनुअल है, इसे भूसा काटर भी बोलते हैं। दिस स्मॉल चॉप कटर इज वेरी सुइटेबल फॉर स्मॉल फार्मर्स और ये मैनुअल है। यहाँ की ब्यूटी के बारे में तो कह दिया, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यही वजह है हैंड ऑपरेटेड चॉप कटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।